द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेखपाल भर्ती के लिए ग्राम समाज एवं विकास के टोटल 25 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना यह है कि आप लोग को पता ही होना चाहिए कि परीक्षा के आखिरी समय पर केवल और सिर्फ केवल प्रैक्टिस सेट ही लगाने से सफलता मिलती है, तो इस मौके को आप लोग जाने ना दें और हमारे ही YouTube चैनल पर मात्र 50 रुपये में 150 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त कराए जा रहे हैं और अब जो है सभी लोग इसको परचेज कर रहे हैं और इसको आप भी परचेज कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है और आप उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये सूचना थी, सूचना समाप्त होती है, हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और प्रैक्टिस सेट ये है कि मतलब प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न ये है कि संसद के जो मानसून सत्र होते हैं 2020 में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके किस वस्तु समूह को आवश्यकता वाली वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देखिए और बताइए। अनाज दलहन तिलहन प्याज एवं आलू, अगला है चीनी और गुड़, फिर खाद्य तेल, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चीनी और गुड़ को इस सूची से नहीं हटाया गया है, ध्यान रखिएगा। और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो अधिनियम बना था ये 1955 में जो है इसका अधिनियम का स्थापना किया गया था, यानी कि अधिनियम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है किस राज्य में नहीं चलाया गया है? ये राज्य डी छत्तीसगढ़ में ये राज्य जो है अभियान नहीं चलाया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सन 2022 तक सभी को स्वच्छ जल जो है उपलब्ध कराना ही इसका लक्ष्य है। कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है, ये 2022 तक पेयजल को उपलब्ध कराना नहीं है, ये संभवतः 2024 तक इसका लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो श्रमिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है वो अधिकार है कि निवास स्थान से 1 किलोमीटर परिधि में ही काम पाने का अधिकार, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही वो काम पाएं, ऐसा कुछ अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। काम को 1 किलोमीटर की दूरी से भी दिया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर जनपद है, बिजनौर जिला है, वहाँ पे कौन से जनजाति के लोग रहते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जनजातियों की संख्या की बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की, तो पूरे भारत में इनका प्रतिशत जो है, माफ कीजिए पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में नहीं, अपने उत्तर प्रदेश में इनका जो प्रतिशत है वो 0.6% इनका प्रतिशत है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है बिजनौर में वो पहला ऑप्शन बुक्सा जनजाति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बुक्सा जनजाति का विकास परियोजना जो बनाया गया था वो 1983-84 में जो है बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण आरक्षित किए गए हैं? देखिए पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो आरक्षण 33% सभी राज्यों में है, लेकिन 2020 में कुछ राज्यों में जो है 50% का आरक्षण आरक्षित किया गया है, वो कितने राज्य हैं ये बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 राज्यों में ये प्रावधान किया गया है। देश के 5 राज्यों में पहले से ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू थे और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत महिलाओं को पंचायतों में जो है 33% आरक्षण दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है?
गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य या किस जनपद में स्थित है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सोनभद्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सरकारी धन का लाभ जनता को एक रुपये में से 20% ही मिल पाता है, यह कथन किसका है? यह कथन राजीव गांधी का कथन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, टोडा किस राज्य की जनजातियाँ हैं? टोडा एक जनजातियाँ हैं और ये किस राज्य में निवास करती हैं, ये बताना है, राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। चलिए फटाफट आंसर बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, टोडा जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो राज्य है ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, और आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते रहें, जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है जो ऑप्शन में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बताना है आप लोग को। तो यहाँ पर सबसे छोटे की बात करते हैं तो वाराणसी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? एक मिनट, सी नहीं होगा भाई, यहाँ पे वाराणसी, वाराणसी तो ए में दिया गया है, इलाहाबाद में मैं लगा रहा था, ठीक ध्यान रखिएगा वाराणसी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी में इलाहाबाद है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये सी बिल्कुल, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ बात करते हैं इसके क्रम की, तो इसके बाद जौनपुर आएगा और उसके बाद इलाहाबाद आएगा, फिर क्या आएगा? फिर गाजीपुर आएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी जाति की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ रही? तो इनकी सांद्रता जो सबसे अधिक रही वो सोनभद्र में रही, और वर्तमान में भी ये सोनभद्र में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या ज़्यादा है, यानी अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक सोनभद्र में ही है, ध्यान रखिएगा सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और राज्य की बात करते हैं तो राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश तो है ही। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर दे दीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, हरिश्रेण चंद्रगुप्त प्रथम लिखा गया है, लेकिन हरिश्रेण चंद्रगुप्त प्रथम से सुमेलित नहीं है, हरिश्रेण जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हरिश्रेण जो है एक प्रसिद्ध कवि भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना जो की गई है वो लखनऊ में की गई है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सुदूर संवेदन का अर्थ जो होता है वो किसी भी, यहाँ देखिए लिखा गया है कि सुदूर संवेदन केंद्र, तो सुदूर संवेदन केंद्र का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना, यानी कि संपर्क में बिना आए सीधे उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना ही सुदूर संवेदन केंद्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? महाजनी प्रथा का उल्लेख किस में मिलता है ये बताना है, ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और महाजनी प्रथा अब भी जो है जारी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस चैनल का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो सी बिल्कुल 26 जनवरी 2015 को यहाँ पे देखिए मैंने किस चैनल का बात किया था, तो यहाँ पे किसान चैनल की बात करते हैं, तो किसान चैनल का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है 26 मई 2015 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति है जो सबसे संकटापन्न है? बहुत अच्छा, तो ये सभी को मालूम है, रसेल वाइपर जो है ये संकट के उत्पन्न मतलब संकटापन्न जीव है, और सर्प का ये प्रजाति है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें दक्षिण उत्तर प्रदेश यानी दक्षिण के साइड में जो उत्तर प्रदेश का औरैया जिला है, प्रमुख रूप से वो किसका उत्पादन करता है? गुड़ का, शहद का, शुद्ध देसी घी का या हींग का? तो ये जो उत्पादन करते हैं वो शुद्ध देसी घी के उत्पादन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और औरैया जिला का कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है औरैया जिला, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कौन सा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसल का नाम उल्लेखित करता है?
तो यहाँ पे भी चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये सभी इसके उल्लेखित नाम है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। और ये दुनिया में पाँचवा स्थान था, लेकिन अब छठे स्थान पर आ गया कि दुनिया में छठे स्थान पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में निवास करती है, यह ध्यान रखिएगा। यानी कि 5 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अधिक जनसंख्या निवास करती है, देशों की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि राज्यों की। उसके बाद छठे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितनी रही, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल 829 रही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा किस संवर्ग में प्रयुक्त हुआ है, जिला शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में या संदर्भ में हुआ है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश के संदर्भ में इसका उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, भारत में जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या है, तो पहले संपत्ति का अधिकार जो हुआ करता था वो जो है आपका पैतृक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया है और इसको जो है विधिक यानी कानूनिक अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ साथ इसको जो है अनुच्छेद 300 के काम में ले जा करके जोड़ दिया गया है, एक विधिक कानून बनाकर, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया, यूपी में सीलिंग कानून कब लाया गया, तो यह 1960 में लाया गया, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये सीलिंग कानून जो है ये आपका जमींदारी उन्मूलन के बाद 1961 में सीलिंग एक्ट लागू किया गया, क्लियर। चल इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP कब प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला 1982 में यह प्रारंभ किया गया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा क्या है, तो ये ऊर्जा गंगा जो परियोजना है केंद्र सरकार की, ये एक क्या है, तो ये एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 25 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। 25 प्रश्नों में यहाँ पे कितने प्रश्न सही हुए हैं जरूर बताइएगा। और ये आज का पेपर प्रैक्टिस सेट आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को थोड़ा लगा होगा कि पेपर की क्वालिटी इसमें है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है और ऐसे ही लगकर हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करना है। और जो सूचना आपको दी गई है सूचना पर अमल करके प्रैक्टिस सेट अवश्य ले लीजिए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।